प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? चलिए आज का हिंदी का वर्ग स्टार्ट करते हैं। आपकी बुक है व्याकरण चेतना पार्ट दो वर्णमाला। ठीक, चलिए अब हम अपना काम आरंभ करते हैं। सब बच्चे सबसे पहले बुक का पेज नंबर 8 सबसे ऊपर यहाँ पे अपने फिंगर रखेंगे और मेरे साथ साथ आप रीड भी करेंगे। ठीक है, जब हम बोलते हैं तो हमारे मुंह से ध्वनियाँ निकलती हैं। व्याकरण में इन्हीं ध्वनियों को वर्ण कहते हैं। वर्ण को अक्षर भी कहते हैं। वर्णों को मिलाकर ही शब्द बनाए जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे दो शब्द लिखे हुए हैं, बगीचा और मछली। देखिए बगीचा, बगीचा को कैसे अलग अलग करके लिखा गया और कैसे इसकी ध्वनियाँ निकली है। ब अ के ई ज आ, बगीचा। ठीक है, उसके बाद देखिए मछली जो शब्द है, मछली शब्द की ध्वनियाँ कैसे निकली है। म अ छ अ ल ई, ये ध्वनियाँ हैं जिनसे मेरी क्या बना शब्द मछली। अब देखिए वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है, वर्णों के टुकड़े नहीं हो सकते। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि देखिए भाषा की सबसे छोटी ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी ध्वनि के लिखित रूप को क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, कौन-कौन से? नंबर एक स्वर और नंबर दो व्यंजन। ठीक है, अब देखिए स्वर, स्वर क्या होते हैं? ये ऐसी ध्वनियां हैं जिनको बोलने के लिए किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है। हिंदी भाषा के स्वरों की संख्या 11 है, और वो कौन कौन से हैं? ये सब बच्चे अपनी बुक पे फिंगर रख के बोलेंगे। अ छोटी ई, बड़ी ई, छोटा उ, बड़ा उ, री, ए, आई, ओ, औ। नेक्स्ट पेज। अब व्यंजन, व्यंजन क्या होते हैं? ये ऐसी ध्वनियाँ हैं जो स्वरों की सहायता से बोली जाती हैं। सामान्य रूप से भी व्यंजन को बोलते समय अंत में ए की ध्वनि का उच्चारण होता है। हिंदी भाषा में व्यंजनों की संख्या 33 है, और देखिए वो कौन सी है? सब बच्चे अपनी बुक पे फिंगर रख के बोलेंगे। क ख ग ख ड़ च छ ज छ ञ ट ख ड ड ण त ख द घ न प ख ब घ म य र ल व श श स। तो ये हमारे व्यंजन थे। इसके बाद वर्णमाला, स्वर के 11 वर्ण और व्यंजन के 33 वर्णों को मिलाकर हिंदी की वर्णमाला बनती है। हिंदी की वर्णमाला में कुल मिलाकर 44 वर्ण हैं। इस प्रकार वर्णों का क्रमबद्ध समूह वर्णमाला कहलाता है। हिंदी भाषा के अन्य वर्ण, देखिए संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन दो व्यंजनों को मिलकर बनाए जाते हैं। देखिए संयुक्त व्यंजन दो व्यंजनों को मिलाकर बनते हैं, जैसे क श, क्या बना? क्रिया हमारा शब्द बन जाएगा। त शब्द क्या बनेगा? र, और पत्र हमारा शब्द बन जाएगा। ज बना, य हमारा ज्ञानी बन जाएगा। श र श्र से हमारा श्मिक बन जाएगा। उसके बाद अतिरिक्त व्यंजन कौन से हैं? ड और ङ, अनुस्वार, अंग और विसर्ग। धन्यवाद।